ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथ कंसल्टेंट डॉक्टर वेरा ज़ुबैरी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले की, यानी मोटापा, वेट लॉस ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में क्या है वेट लॉस ट्रीटमेंट, उसके साथ दवाइयाँ कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी और आखिर में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एक नॉर्मल बॉडी वेट होना हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग मोटे होते हैं वो सिर्फ अपीयरेंस को हम ना काउंट करें, इससे बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, गॉल ब्लैडर डिजीजेस हैं। इसके अलावा जो लोग मोटे होते हैं उनको सांस के मसले भी होते हैं, स्लीप एपनिया की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही होती है उनमें, और उसके जो और जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा कि जॉइंट्स प्रॉब्लम होते हैं, हर वक्त मूवमेंट में वो लोगों को प्रॉब्लम होती है, अपने नॉर्मल रूटीन काम करने में भी हर वक्त जो है वो एक प्रॉब्लम होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा जिनका वजन ज़्यादा होता है। जब लोग होम्योपैथिक की तरफ आते हैं मोटापे के इलाज के लिए, तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक को मेडिसिन दी जाए। कुछ लोगों का वेट सिर्फ डाइट से और हेल्थ से ही ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पैदाइशी तौर पर जिनका वज़न ज़्यादा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले तो पतले थे लेकिन किसी ना किसी रीज़न के बाद या किसी ना किसी डिजीज़ के बाद उनका वेट बढ़ जाता है, जैसे कि उनका लाइफ स्टाइल हो सकता है, कुछ तरह की डिजीज़ हैं, कुछ तरह के हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, हाइपोथायरायडिज्म है, कशिंग सिंड्रोम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें जो वेट बढ़ता है उसके लिए हमारा ट्रीटमेंट मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ लोगों ने मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंटेक की होती हैं उसके बाद उनका वेट बढ़ रहा होता है, साथ में कुछ लोगों के लाइफ स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, तो हर एक के जो रीजंस है हर एक को उसकी नीड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है। और अगेन वही बात कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक को मेडिसिन दी जाए। कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम दे रहे होते हैं फ्रीक्वेंटली वेट डिटेक्शन ट्रीटमेंट में, जो कॉमन मेडिसिन है उनमें कलकरिया का, फ्यूकस, फाइटोलिका बैरी, नट्स ओमेगा, सीपीआर दी जाती है खवातीन को, खासतौर पर उनमें जिनको मेनोपॉज के बाद इनका वेट बढ़ा होता है। उसके अलावा पल्सर रिला दी जा रही होती है, इग्निशा दी जा रही होती है, नेट्रोम्योर दी जा रही होती है। वेट लॉस ट्रीटमेंट के साथ आपको कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है। जब भी आप अपना खाना लें उसको अच्छे से चबा के लें, खाने को बहुत जल्दी जल्दी से ना खाएँ, टाइम लगा के खाना खाना चाहिए। उसके अलावा अपने मील स्किप ना करें। कुछ लोग एक गलती करते हैं कि वो वेट रिडक्शन में के लिए वो करते ही हैं कि अपने मील यानी पूरे 3 times की जगह उन्होंने 1 time अपना मील ले लिया, तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें। साथ में अपना ग्रीन वेजिटेबल का इंटेक ज़्यादा कर लें, वो फूड जो उन्हें लो कार्ब्स फूड ज़्यादा लें, पानी का इस्तेमाल 8 glass के अराउंड ज़रूर करना है। उसके अलावा अपने आप को फिज़िकली एक्टिव करना है, तकरीबन 30 to 45 minutes की एक्सरसाइज, वॉक, वर्कआउट ज़रूर करनी है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ओला डॉक के ज़रिए मेरा अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।